हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पीटा ब्रेड, वो भी बहुत ही सिंपल और इजी वे में। इस पे हम यूज़ करेंगे गेहूं का आटा और इसे हम बनाएंगे तवे पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम आटा। इसमें मैं डालूंगी 1.5 स्पून नमक, 1/2 स्पून ईनो, 1/2 करूंगी हल्का गुनगुना पानी और इसे मिक्स कर लूंगी। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी लगभग 4 चम्मच गरम दूध, हल्का गरम दूध, दूध ज्यादा गरम ना हो। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे, एक डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम आटे को गूंथते हैं सेम वैसे ही। और इसको गूंथने के बाद इसमें 1 चम्मच तेल लगा के इसे 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लगभग 40 मिनट के बाद अब हम इसे छोटी छोटी रोटियों के शेप में बेल लेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है। अब इसे मैं गोल करके इसे एक छोटी सी रोटी का शेप दे दूंगी। अब हम इसे छोटे छोटे साइज में बेल लेंगे, हमें इसे ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो हम हल्के हाथों से छोटी छोटी साइज में इसे बेल के तवे पे चढ़ा देंगे। हम जैसे रोटियां बनाते हैं इसे वैसे ही बनाएंगे, पर हम इसे तवे पे ही सेकेंगे और इनका जो साइज होगा वो हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इसे हम पलट के अच्छे से सेक लेंगे। ऐसे ही हमें अपनी सारी रोटियां अच्छे से सेक लेनी है। अभी अच्छे से दोनों साइड से पक गया है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे एक चाकू से बीच में से कट कर देंगे। देखिए, इसको 2 पीसेस में हमें ऐसे कट कर लेना है और ये हमारी पीटा ब्रेड एकदम तैयार है।